नमस्कार दोस्तों आरटी लेक्चर्स के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के के इस वीडियो लेक्चर में में हम बात करेंगे जीरो रेडियोग्राफी बारे में, जो कि डीआरटी का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रेडियोग्राफी फर्स्ट का तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जीरो रेडियोग्राफिक प्लेट के बारे में और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जीरो रेडियोग्राफिक प्लेट के और इसके कितने प्रकार के मोड्स हैं इसके कहां पर कहां पर इसके एप्लीकेशन है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन सभी को हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आइए बात करते हैं हम जो जीरो रेडियोग्राफी है वो इस जो वर्ड है जीरो रेडियोग्राफी उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं यहां पर इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं जीरो रेडियोग्राफिक वर्ड का तो दोस्तों यहां पर जो जीरो रेडियोग्राफी है इसके अंदर जो जीरो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे जिसका मतलब होता है ड्राई यानी कि सूखा मतलब इसके अंदर जो प्रोसेसिंग के अंदर जो मेथड यूज किया जाता है वो ड्राई मेथड यानी कि सूखा मेथड यूज किया जाता है किसी प्रकार के केमिकल्स का यहां पर यूज नहीं किया जाता है एंड जो रेडियोग्राफी है रेडियोग्राफी का मतलब है टू टेक इमेज विद द यूज ऑफ रेडिएशन ऑन टू ए फिल्म मतलब रेडिएशन का यूज करते हुए एक फिल्म के ऊपर इमेज लेना वो कहलाती है रेडियोग्राफी ठीक है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो जीरो वर्ड है जैसे कि आपने सुना होगा जैसे जीरो फाइट प्लांट्स होते हैं जो कि मरुस्तले वनस्पति है एक प्रकार की यानी कि ये वो सूखे इलाकों में पाई जाती है तो ये वहां से एक जीरो वर्ड है उसके अंदर भी जो जीरो वर्ड है वो भी एक ग्रीक वर्ड है तो वहां से ये जीरो वर्ड लिया गया है ठीक है तो आइए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की इसके परिचय की तो जीरो रेडियोग्राफी इज ए स्पेशल टेक्निक विच डज नॉट रिक्वायर वेट प्रोसेसिंग लाइक कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म एंड द रेडियोग्राफी वर रिकॉर्डेड ऑन ए पेपर रेदर देन ए फिल्म तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो रेडियोग्राफी है एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की वेट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें डज नॉट रिक्वायर वेट प्रोसेसिंग जैसे कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी एक्सरे फिल्म के अंदर या फिर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर होती है तो यहां पर जो रेडियोग्राफ होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं एक पेपर के ऊपर एक film. Film के एक फिल्म फिल्म के के बजाय पेपर ऊपर यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है बट की जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है उसके अंदर जो रेडियोग्राफ की रिकॉर्ड किया जाता है वो एक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है एंड यहां पर जो रेडियोग्राफ रिकॉर्ड किया जाता है वो एक पेपर के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है इट इज हाईली एक्यूरेट इलेक्ट्रोस्टेटिक इमेजिंग टेक्निक मतलब ये एक प्रकार की एक एक्यूरेट इलेक्ट्रोस्टेटिक इमेजिंग टेक्निक है मतलब इसके अंदर जो यूज होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक जो मेथड है वो यूज होता है इमेजिंग के अंदर एंड इट वाज बेनिफिशियल इन द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर एंड सॉफ्ट टिश्यू नेक ने और ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है एक तो ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए एंड जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं नेक की उनकी एर्नोलबीज को डायग्नोस करने के लिए एंड इसका जो इन्वेंशन है दैट इज इन्वेंट, इट इज इन्वेंटेड बाय द चेस्टर कार्लसन इन नाइनटीन थर्टी सेवन मतलब किसने इन्वेंट किया था चेस्टर कार्लसन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रेडियोग्राफिक प्लेट के बारे में कि रेडियोग्राफिक प्लेट क्या होती है और इसके अंदर कितने प्रकार की लेयर्स होती है और इसको किसके अंदर पैलेस किया जाता है किसके अंदर रखा जाता है तो इन सब के बारे में, ठीक है थीके? तो जो जीरो पर जो प्लेट का साइज होता है वो नाइन पॉइंट फाइव बाई फोर्टीन इंच की प्लेट होती है, इस, ये प्लेट का होता है यहां पर एंड जो रेडियोग्राफिक प्लेट पैलेस

प्लास्टिक की बनी होती है जिसे हम जीरो रेडियोग्राफिक केसेट के नाम से जानते हैं ठीक है तो उसके अंदर हम जीरो रेडियोग्राफिक प्लेट को इन साइड पैलेस करते हैं हम और यहां पर जिसकी लेयर्स की बात करें यहां पर तो देर आर फोर लेयर्स इन द प्लेट यहां पर जो प्लेट के अंदर चार लेयर्स होती है फर्स्ट लेयर है एल्यूमिनियम की लेयर जो सेकेंड लेयर है इंटरफेस लेयर थर्ड वाली है सेलेनियम की एंड जो फोर्थ वाली है प्रोटेक्टिव या फिर उसको कहते हैं हम ओवरकोट लेयर जैसा कि आप कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म के अंदर देख सकते हैं वहां पर भी इसी प्रकार से चार लेयर्स होती हैं। एक उसकी होती है बेस लेयर अदेसिव लेयर इमल्सन लेयर एंड ओवरकोट लेयर इसी 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 प्रकार प्रकार के के अंदर इसी इसी के अंदर भी जो लेल्यूमिनियम लेयर होती है वो बेस का काम करती है एंड जो इसकी जो इंटरफेस लेयर है वो अधन का काम करती है एंड का का जो सेलेनियम लेयर है जो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होती है वो जैसा कि एक्सरे कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म के अंदर होती है इमल्सन इमल्सन लेयर तो इसके अंदर होती है यहाँ पर सिलेनियम ओवरकोट होती है उसी प्रकार से जो कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म के अंदर भी जो ओवरकोट एक लास्ट वाली फिल्म होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है इमल्सन को ठीक है हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी एल्यूमिनियम लेयर की कि जो एल्यूमिनियम लेयर है इसकी बेस होती है रेडियोग्राफिक प्लेट का और ये जो बाकी तीन लेयर्स होती है उनको सबस्ट्रेट यानी आधार प्रदान कर दिए हैं एंड उसके बाद में है इसकी इंटरफेस लेयर तो इंटरफेस लेयर इज ऑफ लेलुमिनियम ऑक्साइड बिटवीन द सिलेनियम फोटो कंडक्टर एंड एल्यूमिनियम लेयर यानी कि जो इंटरफेस लेयर होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है ठीक है एंड ये किसके बीच में होती है जो सिलेनियम होती है उसके और जो एल्यूमिनियम लेयर होती है उसके बीच में सिचुएटेड होती है जैसा कि आप पिछले यहाँ पर इसके ये फिल्म को भी देख चुकी प्लेट को भी देख सकते हैं इसकी और जो है, उसकी जीरो वन थिकनेस है, और जो है, इसकी वेरी करती है वन से ले, या वन फिफ्टी होती है या फिर थ्री ट्वेंटी माइक्रोमीटर के अंदर होती है एंड जो लास्ट वाली जो ओवर कोटिंग लेयर है वो जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर की है जैसे कि सेम इंटरफेस लेयर है सेम थिकनेस होती है इंटरफेस लेयर एंड जो ओवर कोटिंग लेयर होती है दोनों की ठीक है तो इस प्रकार से जो ये इंटरफेस लेयर है दो लेयर्स के बीच में होती है सेलेनियम फोटो कंडक्टर इसे सेलेनियम लेयर के बीच में एंड जो एल्यूमिनियम लेयर है उसके बीच में एज ए नॉन कंडक्टर द इंटरफेस लेयर प्रिवेंट्स चार्ज एक्सचेंज बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड द सेलेनियम लेयर जैसे कि मतलब अचालकों में अचालक होते हैं यानी कि नॉन कंडक्टर्स होते हैं उन, उनका काम होता है उसी प्रकार से इसका काम होता है इंटरफेस लेयर एल टू ओ थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है एंड जो इसका काम होता है इंटरफेस का और ये काम करती है जो एक्सचेंज होता है जो चार्ज का उसको रोकने का काम करती है ये एल्यूमिनियम और जो सिलेनियम लेयर के बीच में अगर किसी प्रकार का वहां पर चार्ज का एक्सचेंज नहीं हो तो उसको ये यह यहाँ पर प्रिवेंट करने का काम करती है चार्ज को एक्सचेंज होने से बचाती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिलेनियम लेयर की तो जो सिलेनियम लेयर है यहाँ पर जो अमोरफा सिलेनियम से बनाई जाती है कि क्रिस्टलाइन सिलेनियम से ये बनी होती है अमोरफा सिलेनियम से कि क्रिस्टलाइन सिलेनियम से क्रिस्टलाइन सेलेनियम होता है उसकी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि चालकता बहुत ज्यादा होती है इसलिए बहुत अनस्टेबल होता है जीरो यहां पर यूज होता है अमोरपा सेलेनियम का क्रिस्टलाइन सिलेनियम का यूज यहां पर नहीं होता और इसी को हम कहते हैं फोटो कंडक्टर लेयर इसी को हम फोटो कंडक्टर लेयर कहते हैं और इसकी थिकनेस वेरी करती है न फिफ्टी से थ्री ट्वेंटी माइक्रोमीटर के बीच के अंदर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रोटेक्टिव लेयर की जैसा कि इसके नाम से विदिता हमें कि प्रोटेक्टिव मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करेगी इसी को हम ओवरकोट लेयर के नाम से जानते हैं और ये जो सेलेनियम लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है और ये सेल्यूलोज एसीडेट से बनी होती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जीरो रेडियोग्राफिक प्लेट है उसके वर्किंग प्रिंसिपल की कि किस प्रकार से ये वर्क करती है ठीक है द फर्स्ट स्टेप इज यूनिफॉर्मली चार्ज द अमोरफस सेलेनियम फोटोकंडक्टर विद द यूज ऑफ स्क्रोटोन डिवाइस फर्स्ट इसका जो स्टेप इस होता है सबसे पहले जो जीरो रेडियोग्राफिक प्लेट है उसको चार्ज किया जाता है यानी कि जो उसकी सेलेनियम लेयर होती है फोटोकंडक्टर का लेयर होती है उसको यहां पर चार्ज किया जाता है एक डिवाइस होती है इस्करोटन डिवाइस ठीक है स्क्रोट्रॉन डिवाइस की सहायता से जो अमोर पर सेलेनियम लेर होती है या जो जिसको हम फोटोकंडक्टर लेयर कहते हैं उसको यूनिफॉर्मली एक समान रूप से चार्ज किया जाता है उस जो चार्ज किया जाता है यहां पर जो स्क्रोट्रॉन डिवाइस से चार्ज किया जाता है एंड जो स्क्रोट्रॉन डिवाइस है वो वर्क करती है कोरोना डिस्चार्ज प्रिंसिपल के ऊपर मतलब यहां पर जो ये यहां पर जिसको चार्जिंग किया जाता है यूनिफॉर्मली वो एक कोरोना डिस्चार्ज प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज किया जाता है इसको यानी कि जो स्क्रोट्रॉन डिवाइस है वो इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज को पैलेस करती है एंड डिपोजिट करती है यूनिफॉर्म चार्ज को सेलेनियम प्लेट के ऊपर दिस प्रोसेस इज डन इन ए डार्क पैलेस और इसे प्रोसीजर को डार्क पैलेस के अंदर किया जाता है कि यहां पर लाइट पैलेस के अंदर ठीक है तो आफ्टर चार्जिंग द प्लेट इज मस्ट बी इनक्लोज इन टू ए लाइट टाइट कैसेड मतलब चार्जिंग के बाद में इस प्लेट को एक लाइट टाइट के अंदर यानी कि जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी होती है उसके अंदर यहां पर पैलेस किया जाता है बिकॉज एक्सरे के कॉन्टेक्ट में आती है तो यह डिस्चार्ज होने लगती है तो इसलिए जो इसकी प्रोसेसिंग होती है वो डार्क पैलेस के अंदर होती है जो चार्जिंग की प्रोसेसिंग होती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं जब ये प्लेट है सेलेनियम प्लेट इसको एक्सपोज करते हैं हम एक्सरे से या फिर लाइट से द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट विल बी डिस्चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्या होने लगती है यहाँ पर डिस्चार्ज होने लगती है एक्सपोज एरिया इज डिस्चार्ज जो यहाँ पर जो एक्सपोज्ड एरिया है वो ही डिस्चार्ज होगा रेडिएशन से या फिर लाइट से जो एरिया एक्सपोज हुआ है वो ही यहाँ पर क्या होगा डिस्चार्ज होगा द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे एंड जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्चार्ज का अमाउंट है वो समानुपाति होता है इंटेंसिटी के, के जो भी एक्सरे होती है तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ ऑफ डिस्चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज एक्सरेज की इंटेंसिटी के डायरेक्टली समानुपाती होता है द रिमेनिंग चार्ज पैटर्न ऑन द प्लेट सपेस इज कॉल्ड ए लेटेंट इमेज और जहां पर डिस्चार्ज नहीं होता है यानी कि जहां पर चार्ज बचा होता है वो यहाँ पर लैटेंट इमेज को फॉर्म करता है वो पोर्शन इसका वो एरिया यानी कि वो पार्ट इसका इमेज को फॉर्म करता है जहां पर इसका चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता है रेडिएशन के द्वारा देन द एक्सपोज फिल्म प्लेट इज पैलेस्ड इन ए डार्क बॉक्स वे द एरोसोल टोनर ऑफ चार्ज पार्टिकल स्प्रेड ऑन द जीरो रेडियोग्राफिक प्लेट दीज चार्ज पार्टिकल हैव डार्क ब्लू कलर उसके बाद में इसको एक्सपोज करने के बाद में रेडिएशन से उसको जो जीरो रेडियोग्राफिक प्लेट है उसको हम एक डार्क बॉक्स के अंदर रखते हैं और डार्क बॉक्स के अंदर रखने के बाद में हम एरोसोल यानी एक टोनर होता है उस टोनर को हम जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर उसका वहां पर इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है जीरो रेडियोग्राफिक प्लेट के ऊपर तो ये चार्ज पार्टिकल्स का कलर क्या होता है डार्क ब्लू कलर होता है ठीक है उसके बाद में क्या किया जाता है पाउडर एरोसोल इज अट्रेक्टेड बाई द चार्ज पैटर्न ऑफ दीरोडियोग्राफिक प्लेट एंड द इमेज इज फोड यहाँ पे क्या होता है कि जो बचा हुआ उसका जो एरिया था प्लेट का जहां पर डिस्चार्ज नहीं हुआ था यानी कि जहां पर रेडिएशन नहीं आई थी तो वहां पर जो चार्जिंग पैटर्न था वो चार्जिंग पैटर्न जो एरोसोल के जो चार पार्टिकल्स थे यानी कि इसके अंदर जैसे कि प्लेट के अंदर जैसे पॉजिटिवली हमने चार्ज किया प्लेट को जैसे मान लीजिए तो यहाँ पर जो एरोसोल या टोनर होता है वो होते हैं उसके नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उसके उस टोनर के तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेट के इन टोनर्स के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ द पाउडर एरोसोल इज अट्रैक्टेड बाय द चार्ज पैटर्न ऑफ द जीरो रेडियोग्राफी प्लेट एंड द इमेज इज फॉर्म इस प्रकार से उसकी जो इमेज बनती है वहां पर द पाउडर पिक्चर ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेट इज देन ट्रांसफर टू स्पेशल प्लास्टिक पेपर

बाई यहां पर वाई है यहां पर बाई क्रिएटिंग प्रेसर ऑन द प्लेट द पार्टिकल्स आर इम्बेडेड इन द प्लास्टिक पेपर एंड देन हिटिंग द पेपर द पार्टिकल्स बाउंडेड टू द प्लास्टिक एंड गिवस द विजुअल परमानेंट इमेज अब दोस्तों क्या होता है कि हमने जो प्लास्टिक पेपर था उसे प्लेट के ऊपर रख देते हैं हम पर पर और कुछ प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर और साथ ही वहां पर उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो हीटिंग से वहां पर वो पेपर के जो जो पार्टिकल्स थे प्लेट के उस पेपर के अंदर बॉन्डेड हो जाते हैं या इम्बेंडेड हो जाते हैं उसके अंदर दस जाते हैं और इस प्रकार से जो पूरी की पूरी इमेज थी वो पर, उसे जो पेपर है प्लास्टिक पेपर उसके ऊपर वो क्या हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है यानी कि हीटिंग और यहाँ पर जो प्रेशर है दो प्रकार के टेक्निक यूज की जाती है हीटिंग टेक्निक टेक्निक एंड प्रेशर इस टेक्निक से जो प्लास्टिक पेपर के ऊपर ये पूरी की पूरी इमेज है उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं और जो पार्टिकल्स हैं एरोसोल के पार्टिकल उसके अंदर धस जाते हैं वो जो प्ले ये प्लास्टिक पेपर है उसके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं ठीक है तो इस प्रकार से ये यहाँ पर वर्क करती है जैसे कि हमने देखा है इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे हम उसको यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे हमारे पास सैलि फोटो कंडक्टर को जो कि एक स्क्रोटॉन डिवाइस से हमें चार्ज करना होता है और स्क्रोटॉन डिवाइस है कोरोना डिस्चार्जिंग प्रिंसिपल के ऊपर उसको क्या करती है चार्ज करती है और यूनिफॉर्मली उसके ऊपर चार्ज को पैलेस करती है ठीक है और जो ये प्रोसेस होती है ये डार्क पैलेस के अंदर यानी अंधेरे कमरे के अंदर ये होती है ये पूरी की पूरी प्रोसीजर बिकॉज अगर इसको हम लाइट के अंदर इसको प्रोसेस करेंगे तो लाइट के अंदर जो वापस ये क्या हो जाएगी डिस्चार्ज हो जाएगी ठीक है तो कोरोना डिस्चार्ज प्रिंसिपल पे क्या होता है कि स्कोट्रॉन डिवाइस के ऊपर चार्ज होता है और वो चार्ज क्या करती है डिवाइस उसको जो इसकी जो इसकी प्लेट है जो लेयर है उसको क्या करती है ट्रांसफर करती है खुद डिस्चार्ज होने लगती है और उसको चार्ज करने लगती है इस प्रकार से इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस होता है और ये प्रोसेसर क्या होते हैं डार्क पैलेस के अंदर की जाती है और आफ्टर चार्जिंग द प्लेट इज मस्ट इंक्लूडिंग उसके बाद में जो प्लेट चार्ज के बाद में हम उसको एक केसेट के अंदर लगाते हैं एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं उसको एक्सरे या फिर लाइट से उसको एक्सपोज कराते हैं और जहां पर जो एक्सपोज हुआ है वो एरिया क्या हो जाता है वहां पर डिस्चार्ज हो जाता है और जहां पर एक्सपोज नहीं हुआ है वो एरिया एज इट इज ऐसे कैसे रहता है तो इस प्रकार से जो डिस्चार्ज हुआ है पॉजिटिव चार्ज का वो समानुपाती होता है उस एक्सरे की इंटेंसिटी के यानी कि कितनी कितना अमाउंट डिस्चार्ज हुआ है वो बताएगा हमारे को उस एक्सरे की इंटेंसिटी को ठीक है और जो रिमेनिंग पैटर्न होता है चार्ज का

पॉजिटिव नेगेटिव होता है यानी कि अगर या प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है एरोसिल नेगेटिव लिया जाता है यहां पर ठीक है तो इस प्रकार से जो ये टोनर है उसको किया जाता है उस चार्ज पैटर्न के द्वारा प्लेट के और इस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है और एंड जो इमेज बनती है है उसको एक स्पेशल प्लास्टिक पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर लिया जाता है। और वो ट्रांसफर यहाँ पर दो टेक्निक से करते हैं एक तो प्रेशर के अप्लाई करके एंड जो हीटिंग से तो प्रेशर अप्लाई करने से जो सारे जो पार्टिकल्स है उसके एरोसोल के वो उसके अंदर जो प्लास्टिक पेपर है उसके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं धस जाते हैं और इसी प्रकार से उसको हीटिंग दे दी जाती है ताकि उससे अच्छे से बॉन्डेड हो जाए वो पार्टिकल्स तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसका एंड देन हम बात करते हैं इसके मोड्स की जीरो रेडियोग्राफी के कितने प्रकार के मोड है यहां पर तो यहां पर इसके दो मोड्स होते हैं एक तो होता है नेगेटिव मोड एंड एक होता है इसका पॉजिटिव मोड तो नेगेटिव मोड होता है जनरली जो एक्सट्रीमिटीज की रेडियोग्राफी होती है उनके अंदर यूज किया जाता है और जो इसके अंदर जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो इमेज प्रोड्यूस होती है ब्लू एंड व्हाइट कलर के अंदर ठीक है एंड द वाइट कलर रिप्रेजेंट द डेंस एरिया और व्हाइट कलर इसके अंदर डेंस एरिया को रिप्रेजेंट करता है एंड जो ब्लू कलर होता है इसके अंदर वो रिप्रेजेंट करता है लोअर डेंसिटी एरियाज को ठीक ना एरिया नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव मोड की तो जो पॉजिटिव मोड होता है वो जनरली मेमोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर तो जब द प्रोड्यूस इमेजेस आर ब्लू एंड व्हाइट इसके अंदर भी इमेज ब्लू एंड व्हाइट पैटर्न के अंदर उत्पन्न होती है प्रोड्यूस होती है द ब्लू कलर रिप्रेजेंट द डेंस एरिया इसके अंदर जो ब्लू कलर होता है वो डेंस एरिया को रिप्रेजेंट करता है वो डेंस एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो इन दोनों के अंदर ये फर्क है नेगेटिव एंड जो पॉजिटिव मोड है इन दोनों के अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन यानी यूजेज की तो यानी कि इसका यूज कहां कहा होता है एक तो इसका यूज होता है मेमोग्राफी में सीपेलोमेट्री में यानी कि जो हेड के एक्सरे होते हैं उसको इसके अंदर एंड इवेल्युएशन ऑफ बोन लीजन इन द मेडिवल मेडिवल्स के अंदर बोन के अंदर होने वाले लीजेंस को करने के लिए एंड साइलोग्राफी में इसका यूज होता है एंड जो एक्सट्रीमिटीज है उनकी रेडियोग्राफी में इसका यूजेज होता है तो ये हो गए यहाँ पर इसके एप्लीकेशन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की तो एडवांटेज की बात करें यानी कि इसके फायदे क्या है हमें तो फायदे ये थे कि इसके एक तो इसका हाई हाईकोन्टास्ट देते थे ठीक है एंड दे रिक्वायर्ड वन थर्ड ऑफ एक्सपोजर ऑफ कन्वेंशनल रेडियोग्राफ एंड टू यूज इसको आसानी से हम यूज कर सकते थे और जो इसके अंदर जो एक्सपोजर है कन्वेंशन की तुलना के अंदर इसके अंदर वन थर्ड लगता था एक्सपोजर एंड प्रोड्यूस परमानेंट ड्राई इमेज और इसके अंदर जो इमेज प्रोड्यूस होती थी वो परमानेंटली उसको हम स्टोर करके रख सकते थे ठीक है इमेज इज इजली रिवर्सिबल इमेज को जो इमेज प्लेट है सॉरी यहां पर इमेज प्लेट है इमेज प्लेट को हम इजीली रिवर्सिबल कर सकते थे यानी कि उसको बाद में क्या किया जाता जब पेपर के ऊपर हम ट्रांसफर कर देते थे इमेज को उसके बाद में उसको क्या अगर लाइट के कॉन्टेक्ट में लाया जाता था पूरी तरह से तो इस प्रकार से जो पूरा जो चार्जिंग पैटर्न है उसका डिस्चार्ज हो जाता था ठीक है डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक पर्पज एज दिस मेथड गिव्स एक्सीलेंट डेफिनेशन ऑफ थिन एंड फाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू एज इनहांसमेंट

दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत